हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट अटेक। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th का जो फिजिक्स वाला चैप्टर है उसके बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, फिजिक्स वाले चैप्टर में हमने इसका जो सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट और आपने इससे पहले वाला नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख लीजिए और वहां से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कुछ जो रिटेन्ड जनरल यूज है, जो हम यहाँ पे जनरली यूज करते हैं उसका, ऐसा यूनिट्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जैसे मिनट्स हो गया, उसको MIN सिंबॉलिक कहते हैं, जो 60 सेकंड का होता है। आवर में हमारे पास एच होता है, 60 मिनट का होता है, जो कि हमारे पास अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 हो जाएगा। डे की बात करें तो डी से सिंबलाइज होता है, 24 आवर्स का होता है एक दिन, और अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 86,400 सेकंड यहाँ पे होगा। ईयर की बात करें तो ये वाई से कन्वर्ट होता है और 365.25 डेज का होता है, जो कि अगर लीप ईयर में बात करें तो 366 डेज का ये हो जाएगा। और इसमें सेकंड की बात करें तो 3.156 × 10^7 सेकंड के बराबर होता है। डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास इस तरह का सिंबल आता है, ये ऊपर में जीरो टाइप का आता है, 1 के ऊपर पावर डिग्री हो जाएगा, और 1 डिग्री होता है रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 रेडियन के बराबर यहाँ पे होता है। लीटर की बात करें तो हमारे पास होगा 1 dm² हो जाएगा, जो कि 10^-3, ये हमारे पास -3 मीटर क्यूबिक, मतलब एरिया जो होगा वो इस तरह का वॉल्यूम है हमारे पास, इतना वॉल्यूम है हमारे पास, इतना लीटर, 1 लीटर मतलब आता है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे टन की बात करें तो 10^3 मतलब 1000 kg के बराबर हो जाएगा, ये 1000 kg के बराबर हो जाएगा। और कैरेट की बात करें तो 200 मिलीग्राम के बराबर हो जाएगा। बार की बात करें तो 1 बार होता है हमारे पास, वो बार नहीं आप समझना, बियर बार वो मत समझना, 0.1 MPa होता है, यानी 10^5 PA मतलब मेगा हो जाएगा। एम के जगह पे यहाँ पे 10^5 यहाँ पे आ गया। क्यूरी की बात करें तो CI होता है, ये क्यूरी जो आया एक्चुअली में, आपने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम वगैरह के बारे में खोज किया, तो उन्हीं के नाम पे ये हमारा क्यूरी। CI होता है, जो कि 3.7 × 10^10 s के बराबर होता है। रोएक्टेन की बात करें, हमारे पास R से डिनोटेड होता है, ये हमारा 2.58 × 10^4, ये सॉरी इसको ये हो जाएगा हमारा 10^-4 है ये, आई थिंक, ठीक है। कैलोरी पर केजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी रिटेल जो जनरल यूजेस है हमारा, उसके बारे में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसके उसके नेम दिए हुए हैं, उसके सिंबल्स दिए हैं और उसके वैल्यू दिए हैं, यूनिट्स में इसकी वैल्यूज दिए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करना है कि व्हेन द मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री इंटायर मस्ट बी स्पेसिफाइड। मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10th में, मोल कॉन्सेप्ट है क्लास 9 10th में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें हमारे पास टेंथ में आई थिंक, तो एलिमेंट्री इंटायर मस्ट बी स्पेसिफाइड, दिस इंटायर मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, अदर पार्टिकल्स और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ द सच पार्टिकल। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने का मेनली यहाँ पे रीजन ये होता है कि बहुत ही स्मॉल यूनिट में हम चीजों को मेजरमेंट करते हैं। तो आप देखिए, मॉलिक्यूल किसी भी पर्टिकुलर, 1 ग्राम हमारे पास, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन में हमारे पास, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वहां पे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन के कितने कितने हमारे पास एटम्स होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में एक्चुअली में बात किया जाता है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास होता है 1 × 10^6 × 0.23 × 10^10 ये हो जाएगा 23 मोल्स, मतलब एटॉमिक एटम्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है। सो वी इम्प्लॉय यूनिट सम, तो ये सारे जो मोल्स हैं, आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसके पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, वो एक ग्रुप में, ग्रुप पार्टिकल्स यहाँ पे बोल सकते हैं, ग्रुप पार्टिकल्स होते हैं। वी इम्प्लॉय यूनिट फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द 7 बेसिक यूनिट अपेंडिक्स A6। तो 7 बेसिक यूनिट जो हम यहाँ पे, ये जो आपको टेबल दिया गया है, ये वाला टेबल ऐसा है आई थिंक सो, तो ये टेबल 2.2 है, आगे के टेबल में यहाँ पे हम देखेंगे। अपेंडिक्स A6 में हम एक्चुअली 7 बेसिक यूनिट, जो कि हम रोज के टाइम में यूज करते, जनरल यूनिट हम लोग यूज करते, सम ड्राइव यूनिट इन टर्म ऑफ द SI बेस गिवन आर इनटू द अपेंडिक्स 6.2
अपेंडिक्स ए 6.1 एंड सम एसआई ड्राइव यूनिट आर गिवन स्पेशल नेम अपेंडिक्स 6.2। सब हम आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सा नेम जो ड्राइव होता है जो कि 6. अपेंडिक्स 6.1 और 6.2 से हमारा लिया गया। सम ऐसा यूनिट मेक यूज दिस यूनिट विद स्पेशल नेम्स द 7 बेसिक अप्रोक्सीमेटली 6.3 में बताया गया। अब देखिए सबका अलग अलग, एक तो हमारे पास बेसिक जो है एक यूनिट्स के बारे में बताया गया 6.1 में, दूसरा हमारे पास बताया गया स्पेशल यूनिट बताया गया, फिर सबका मिक्स करके हम कैसे किसी पर्टिकुलर एक नया नेम को हम यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर योर रेडी रेफरेंसेस अदर यूनिट रिटेन फॉर द जनरल यूजेस आर गिवन इन टेबल 2.2। तो टेबल 2.2 में हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है वो हम देखेंगे। कॉमन एसआई प्रीफिक्स एंड द सिंबल फॉर द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स आर गिवन इनटू द अपेंडिक्स A2। कॉमन जो एसआई प्रीफिक्सेस हमारे पास होता है इसमें, कॉमन एसआई प्रीफिक्सेस का मतलब यहाँ पे हो जाए जो पहले नाम आकर के वो उसमें चेंजेस लाते, कुछ नया नया नामांकन करे, सरनेम उसका नया आ जाए, ठीक है, सरनेम वही रहेगा बाकी का नेम चेंजेस हो जाएगा। जनरल गाइडलाइन ऑफ द यूजिंग सिंबल फॉर द फिजिकल क्वांटिटी केमिकल एलिमेंट एंड द न्यूक्लियस आर द गिवन इन अपेंडिक्स A7 एंड दोस फॉर द एसआई यूनिट एंड द सम अदर यूनिट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स A8 फॉर योर गाइडेंस एंड द रेडी रेफरेंसेस। तो ये जो एसआई यूनिट जो हमारे पास आते हैं अलग अलग यूनिट्स के लिए, चाहे अपेंडिक्स A8 हो चाहे हमारे पास उसके गाइडलाइन वगैरह जो दी है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ की यहाँ पे हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमारा किस तरह से होगा, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सम डायरेक्ट मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखिए बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो होते हैं छोटे लेवल पे होते हैं, कुछ बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 to the power 3 meter से 10 to the power 2 meter पे जो कि वर्नियर कैलिपर्स वगैरह आप लोगों ने यूज किया होगा क्लास 10th में जो कि मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 10 to the power -5 meter जो कि बहुत ही छोटे स्केल पे यहाँ पे होता है, मेजर लेंथ ऑफ द बिहाइंड दिस रेंज वी मेक यूज ऑफ सम स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड। तो ये बहुत ही बेसिक यूनिट्स में यहाँ पे मेजरमेंट, देखिए मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अब बड़े डिस्टेंस के लिए यहाँ पे हम किस तरह से हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे लार्ज डिस्टेंस सच एज द डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी द मेजरमेंट डायरेक्टली विद द मीटर स्केल। तो मीटर स्केल से हम किसी भी चीज को या तो प्लैनेट को या तो स्टार्स वगैरह को मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसको एन इम्पॉर्टेंट मैथड इन सच केसेज इज द पैरलैक्स मैथड, इसको पैरलैक्स मैथड कहते हैं। वेन यू होल्ड अ A bench in front of you against some specific point on the background of wall and to cut the pencil first through your left eye closing right eye and then look at the pencil through the your right eye। तो अब अगर हम किसी चीज को पर्टिकुलर अगर किसी बेंच पे हम किसी चीज को अगर खड़ा कर देते हैं और उसको लेफ्ट आई और राइट आई से हम देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंसेस वहां पे हमारे पास आएगा, क्या पोजीशन में हमारे पर डिफरेंसेस दिखेगा हमारा। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन द वॉल दिस इज कॉल्ड द पैरेलेक्स। तो ये हमारे पास पैरेलल हम दो, देखिए हमारे पास ये देखिए दोनों हमारी आंखें हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर हम देख रहे हैं तो दोनों मिलकर हमारा यहाँ पे देखेगी। एक्चुअली जो अगर मान लीजिए ये दोनों हमारी आंखें हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स है, अगर इस आंख को बंद कर दिया जाए, इस आंख को बंद कर दिया तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ दिखेगा, मतलब ये हमारा यहाँ दिखेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ये दोनों आंखें हैं और ये हमारे पास बॉक्सेस है, अगर हमारे पास इस आंख को बंद कर दिया जाए तो ये थोड़ा सा हमारा यहाँ दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो चीजें होती है इसको बोलते हैं पैरेलैक्स बोलते हैं। द डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस एंड दिस एग्जांपल द बेसिस इज डिस्टेंस बिटवीन द आईज। तो ये जो होता है एक्चुअली में ये दोनों जो एक जगह पे दिखता है तो वो हमारे पास बेसिक डिस्टेंसेज होता है, हमारे पास आई के बीच का डिस्टेंसेज वो हमारा होता है, ठीक है। सो द मेजर ऑफ द डिस्टेंस डी फॉर अ वेव प्लांट एस वाई बाय द पैरेलैक्स मेथड वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशन। दो अलग अलग पोजिशन से हम उसको मेजरमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन ए एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थ बी सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ए बी इक्वल टू बी एंड
एंड द सेम डिस्टेंस एज शोन टू द फिगर 2.2 वी मेजर द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन अलोंग विद द प्लांट एंड व्यू एट दिस टू पॉइंट्स दिस एंगल एस ए बी एंड द फिगर 2.2 में यहाँ पे हम देखेंगे ठीक है 2.2 में हमारे पास दिया है जैसे कि ये दो ऑब्जर्वर है ये दो ऑब्जर्वर है इस यहाँ से इसने देखा यहाँ से इसने देखा दोनों मिलके एक एंगल इन्होंने बनाया ए एस इक्वल टू एस बी होगा यहाँ पे ए एस क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा ए एस इक्वल टू एस बी और ए बी इक्वल टू ए बी की बात यहाँ पे डी बी ले लेते हैं इक्वल टू डी थीटा होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास वेयर थीटा इज रेडियन हो जाएगा यानी कि डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई थीटा यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है अब यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है कि बट द फाइंड द लाइन ऑफ द साइड ऑफ सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन टू द साइड ऑफ द एंगल बी एंड थीटा इक्वल टू 40 डिग्री अब यहाँ पे एंगल अगर हमारे पास निकल जाए तो यहाँ पे ये डिस्टेंस ए एस और यहाँ पे एस बी जो एस बी है वो हमारा निकल सकता है ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा के निकाल सकते हैं हैविंग डिटरमाइंड डी वी कैन इम्प्लॉय अ सिमिलर मेथड टू द डिटरमाइन द साइज ऑफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इट डी इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट ये हमारे पास एंगुलर साइज में हमारे पास आ जाता है सो द एंगल सबटेंडेड बाय द डी एट द अर्थ वी हैड अल्फा इक्वल टू डी बाय डी मतलब अल्फा जो होगा हमारे पास जो एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा वो हमारे पास अल्फा कंसीडर कर लिया था डी बाई डी यहाँ पे वो जो यहाँ पे हमारे पास वैसे भी थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बी बाई डी उसी तरह हमारे पास अल्फा इक्वल टू डी बाई डी यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट में देखेंगे द एंगल अल्फा कैन बी मेजर फ्रॉम द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ एंड दिस लेंथ बिटवीन द टू डिस्टेंस व्हेन टू ड्रामेटिकली अपोजिट पॉइंट टू द प्लैनेट आर व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप सिंस डी इज नोन एज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट एंड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग इक्वेशन 2.2 तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल 2.1 जो है उससे यहाँ पे हम समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ड्रॉ द कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री यहाँ पे बोला कि एक 1 डिग्री का एंगल कैलकुलेट करना है बी नंबर में हमारे पास 1 मिनट जो दिया हुआ आर्क द आरसीएम हमारे पास दिया है एंड सी नंबर में सेकेंड ऑफ आर्क ऑफ एन आर्क सेकेंड इन द रेडियन एंड 360 इक्वल टू 2π रेडियन एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ We have 360 equal to 2π radian हमारे पास हो या फिर 1 degree equal to pi upon में 180 radian हो जाएगा या फिर 1.745 into 10 to the power minus 2 radian हो जाएगा अब 1 degree equal to 60 जो मिनट जो होता है यहाँ पे वो दिया या फिर हमारे पास इतना radian या फिर 1 minute equal to इतना radian और हमारे पास ये इस इतना radian हमारे पास या फिर 1 minute equal to 60 second हो जाएगा या फिर इतना radian हो जाएगा या फिर 1 minute equal to 1 सेकेंड इक्वल टू इतना रेडियन में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा तो रेडियन को एंगल में हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट किया गया मिनट में कन्वर्ट किया सेकेंड में कन्वर्ट किया गया वो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे फॉर्म्ड यहाँ पे दिए गए एग्जाम्पल 2.2 में हमारे पास अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय टावर फ्रॉम हिम एंड ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पोर्ट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विद द ए सी एंड देन ही वॉक्स परपेंडिकुलर टू द ए सी अप टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर एंड टुक एट ओ एंड सी अगेन सिंस ओ इज द वेरी डिस्टेंट एंड डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम डिस्टेंस तो ये इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास सेम दिया हुआ है तो ये हमें आगे बताना है देखिए यहाँ पे हमारे पास ये मेथड हमारे पास पैरेलेक्स मेथड में यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो बट द फाइंड द लाइन लाइन ऑफ साइट यहाँ पे बोला लाइन ऑफ साइट यहाँ पे फाइंड करने के लिए लाइन ऑफ साइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है नेक्स्ट में ये भी बोल रहा है लाइन ऑफ साइट सी एंड शिफ्टेड फ्रॉम द एंगल ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बी एंड एंगल
थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, थीटा इज नोन एज द पैरेलेक्स, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ए। तो ए से हमारे पास जो सी का डिस्टेंस है ये हमारा फाइंड करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 100 मीटर, ये थीटा एंगल ही हमारे पास दिया हुआ है, और ये जो एंगल मूव हुआ ये भी हमारा थीटा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये हमारे पास ये दोनों एंगल हमारे पास सेम हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के फॉर्म में। तो यहाँ पे पैरेलेक्स एंगल थीटा इक्वल टू 40 डिग्री है एंड फ्रॉम बी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 10 थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा क्योंकि 10 थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी 10 थीटा हो जाएगा, यानी 100 मीटर अपॉन में 40 डिग्री 10 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर अपॉन में 0.8391 इक्वल टू, अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 119 मीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए सी का जो डिस्टेंस हो जाएगा ए सी हो जाएगा 119 मीटर के बराबर में, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल 2.3 में, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू ड्रामेटिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी एंड ऑन अर्थ एंड द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1 degree and 54 minutes एंड गिवन टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू अबाउट द 1.276 इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 7 है, 10 टू द पावर 7 मीटर एंड कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, थीटा हमारे पास दिया हुआ इतना, तो ये हमारे पास इतना मिनट का डिफरेंसेस है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो इतना इतना रेडियन हो जाएगा, 1 degree इक्वल टू इतना रेडियन होता है, तो इतना रेडियन में हमारे 1 second इक्वल टू इतना रेडियन होता है। सो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू इतना मीटर, सो ये एक्चुअली में हमारे पास जो दिया हुआ है तो टू डायमेट्रिकली अपोजिट साइड, अब ये मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ में दो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये हमारा मून है, यहाँ से हमारे पास जो इसका इसकी डिस्टेंस है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस ऑलरेडी हमें इस दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा अप्रोक्सीमेटली, इन दोनों का यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ और ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो डी इक्वल टू यहाँ पे डी कंसिडर कर लिया, डी इक्वल टू हो जाएगा बी बाई थीटा, डी इक्वल टू बी बाई थीटा हो जाएगा, ये सॉरी डी ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये बी हो गया, ये बी, ये बी हो गया, डी इक्वल टू बी बाई थीटा, यानी कि बी इक्वल टू थीटा इन टू डी, तो अच्छा सॉरी डी ये हो गया ना, माफ कीजिएगा, तो ये हमारे पास बी हो जाएगा और ये हमारा पूरा का पूरा डी हो जाएगा, ये डिस्टेंस डिस्टेंस एक्चुअल में फाइंड करना है, तो बी बाई थीटा इक्वल टू 1.276 इंटू 10 पावर 7 और 3.32 इंटू 10 पावर -2, यानी कि ओवरऑल हमारे पास 3.84 इंटू 10 पावर 8, मतलब 384,000 अप्रोक्सीमेटली 4 lakh किलोमीटर में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2.4 दिया हुआ है, सन्स एंगुलर डायमीटर जो दिया हुआ इज मेजर्ड टू बी द 19 and 20 seconds का दिया हुआ एंड द डिस्टेंस d of the sun from the earth is 1.496 into 10 to the power 11 meter diya hua, what is the distance of the sun, sun ka distance hamare paas find karna hai yahan pe, dekho yahan pe angular jo diameter diya hua alpha diya hai 920 second ka diya hua, ab isko radian mein convert karenge to itna second radian mein convert ho jayega, sun diameter jo hamare paas hame find karna hai d equal to alpha into d, to isko hum isme convert kar diye, yani ki 1.39 into 10 to the power 9 मीटर का हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ द वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब ये तो बड़े बड़े डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे बात कर लिया, अब छोटे छोटे डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्मॉल डिस्टेंस के बारे में, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू सो मच।